नियामत हुई। आज नगर परिषद टोहाना का जो चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है, आज नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए आप सभी यहां जो हमारे बड़े भाई रमेश गोरख जी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, क्या स्टेज पर विराजमान हमारी जननायक जनता पार्टी के बहुत ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष हमारे भाई सुरेंद्र लेखा जी, हमारे शहर के बहुत ही आदरणीय प्रेमचंद मोदी जी, बहुत ही आदरणीय प्रवीण चौधरी जी, श्रीराज भंसारी जी, हमारे साथी शहर में हर जगह स्वतंत्र सेवा में हम अग्रणी पंक्ति में खड़े मिलते हैं, राजेंद्र ठकराल जी मेरे संघर्ष के साथी, बहुत ही ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ, निष्ठा के साथ लंबे समय से हमारे साथ सेवा में जुटे मेरे छोटे भाई मोंटू अरोड़ा जी, हमारे टोहाना इलाके के प्रधान भाई संदीप समैन जी, मनोज दासो जी, राजेंद्र बिल्ला जी, हमारे भाई बहुत ही आदरणीय बबन जैन जी, श्री ओमकार करक जी, शमशेर प्रधान जी, श्री राधे श्याम जी, हमारे पुराने संघर्ष के साथी, हक हमें कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलने वाले हमारे साथी वेदराम गावला जी, बहुत ही जज्बे के साथ काम करने वाले भाई ज्योति मेहता जी, हमारे संघर्ष के साथी रहे हमारे भाई जितेंद्र देवला जी, जगरूप सिंह जी, हमारे भाई महेंद्र सैनी जी, बहुत ही अच्छी सोच रखने वाले और शहर की तरक्की कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, हमारे छोटे भाई काका सैनी जी, हमारे भाई कुलदीप सैनी जी, श्री अनिल भाटिया जी, श्री अशोक मेहता जी, शुरू दिन से हमारे साथ संघर्ष में जुड़े हुए हमारे छोटे भाई और वो भी शहर के डेवलपमेंट की सोच को रखने वाले श्री राजू टोपा जी, संघर्ष में हमारे साथ चले हमारे बड़े भाई मातृशक्ति मेरी माताएं बहने और यहाँ पहुंचे हुए छायाकार पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो आज मैं आप हमारे भाई बड़े भाई रमेश गोयल जी को आशीर्वाद देने के लिए, उनका नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए इतनी गर्मी में अपना समय निकाल कर आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों साथियों, एक लंबा समय ये हमारे परिवार का, हमारे सभी साथियों का सौभाग्य रहा कि हमने आप लोगों के आशीर्वाद से टोहाना हल्के की जब तक की सेवा करने का मौका मिला और एक सेवक को अपने शहर में बदलाव लेकर आने के लिए एक इतिहास रचा कि अपना जनप्रतिनिधि बनाया और उसमें भी एक बड़ा इतिहास रचा कि पूरे हरियाणा में लार्जेस्ट पार्षद से जिताकर मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया साथियों। और उसके बाद जैसे भी पार्टी में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नरसिंह चौटाला जी और सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कैबिनेट में उन्होंने बतौर कैबिनेट मंत्री एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके भाई बेटे को मिली होगी, ये जिम्मेवारी आपके विश्वास को मिली है, आपकी सच्चाई और अच्छाई को मिली है। साथियों हम सब ने एक सपना देखा था कि टोहाना के अंदर बदलाव लेकर आएंगे, बदलाव आया आपके संघर्ष से, आपकी मेहनत से आया और टोहाना के अंदर सबको साथ लेकर, सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर, जात पात से ऊपर उठकर, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर एक विकास की राजनीति करेंगे, डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे। और जो पिछले समय में एक करप्शन और आम आदमी का शोषण था उससे हमारे शहर को पूरे हल्के को बचाने का काम करेंगे साथियों। वो मुहिम आपके आशीर्वाद से, जब आपने मुझे अपने टोहाना हल्के का विधायक बनाया मैंने तभी से शुरू कर दी थी साथियों। और हम सबके लिए फख्र की बात है कि जिस सोच के साथ आपने अपने भाई बहन बबली को चुना और हमने जैसे भी पार्टी में अपने टिकट पर जब हमें विधानसभा के चुनाव के लिए उतारा तो यह जो टीम बैठी है
मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे संघर्ष के साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबने जिसके अंदर जितनी क्षमता थी, पूरी क्षमता के साथ, ईमानदारी के साथ, सबने समाज, सर्व समाज के लोगों ने जात पात अमीर गरीब सब बेड़ियों को तोड़ते हुए आगे बढ़कर सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी के लिए मेरे साथ खड़े हुए। आज एक बार दोबारा मौका हम लोगों को मिला है, एक ईमानदार टीम आज टोहाना में खड़ी करने का अवसर आपके हाथ में है। आपकी वोट की ताकत से आप खड़ी कर पाएंगे साथियों। हमारे देश के संविधान में लोकतंत्र प्रणाली में सबका चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन अभी मेरे से पहले हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी ने कहा, हमारे जो कैंडिडेट है रमेश गोयल जी ने कहा, हमारे और भी जो वक्ता मेरे से पहले बोले सबने कहा, आज एक बहुत बड़ी ताकत आपके पास है टोहाना शहर के पास। उस ताकत का सदुपयोग अब आप लोगों को करना है, वो सोच आपने माननीय साथियों। ताकत तो इससे पहले भी बहुत बार आप लोगों के टोहाना हल्के के लोगों के नुमाइंदगी के हाथ में आती रही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख में अपने की राजनीति होती रही साथियों। आसार के अंदर बहुत समस्याएं हैं, मैं कई बार जाता हूं तो जैसे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ एक ऐसे जैसे हम गलत हो गए। हमने पूरा शहर का ब्लू प्रिंट मैंने तैयार करवाया है। मैं कल भी आपको बता देना चाहता हूँ, मामलागढ़ के अंदर 2 बजे जिनी गोली यूनिवर्सिटी में आयोजन चीफ गेस्ट मुझे बुलाया हुआ था, 2:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे पूरे शहर का ब्लू प्रिंट तैयार करवा के आए 10 सदस्यों को बुला के हमें और ये मेरा भी सौभाग्य रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद हमारे बड़े भाई रमेश गोयल जी को मिलेगा। मेरे भाई मोंटू उन्होंने भी एक बात कही थी कि हम दोनों एक जैसे इकट्ठे हो जाते, एक अनुभवी आदमी की भी जरूरत थी, अगर इसको आप हमारे पास ले जाके या चेयरमैन पद पर सुशोभित करने का काम करेंगे तो मैं आपसे एक वादा आज करना चाहिए उस मन से। और आपको पता भी है कि पब्लिक को झूठा वादा कभी भी नहीं करता। जो सपने में आपने शहर भी सोचा होगा, जो कल्पना आपने कभी नहीं की होगी टोहाना में काम हो सकते हैं, वो काम में आने वाले समय में तो 2.5 साल 25 मिनट करवाने जा रहे हो साथियों। आज मैं कोई घोषणाएं नहीं कर सकता, आचार संहिता लगी हुई है, बहुत सा पैसा यहाँ कमेटी के जो हालात थे आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं उन पर भी मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनको हम नहीं लांग सकते साथियों। लेकिन एक बात आपको मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, ईमानदारी से कह सकता हूँ, और मेरे अंदर एक भरपात में डाल ऐसी ताकत है, जो भी काम मैंने जिंदगी में ठान लिया, चाहे मेरे पारिवारिक तौर पर हो, व्यापारिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, और चाहे आज राजनीतिक जिम्मेवारी जो मेरे टोहाना के लोगों ने दी है, उस जिम्मेवारी को आप एक बड़ी टीम खड़ी कर दीजिए, जननायक जनता पार्टी की टीम खड़ी कर दीजिए, अच्छे उम्मीदवारों को हमें दीजिए, टोहाना के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आपके बीच में आने वाले हैं। हम साथियों थोड़ा कुछ नहीं बनूंगा, आपसे अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबने ये नहीं सोचना कि रमेश गोयल जी का चुनाव, यह चुनाव हर उस टोहानावासी का है जो टोहाना में बदलाव चाहता है, जो टोहाना के अंदर डेवलपमेंट चाहता है, जो टोहाना के अंदर साफ सुथरी अच्छी और सच्ची राजनीति चाहता है, ईमानदारी की राजनीति चाहता है। तो राजनीति भाई अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लोगों ने क्या पड़ेगा। मैं अभी गाड़ी में आ रहा था, कौन साहब बोले तो कुर्सी बोला पार्टा था लगी बुला की सुना दी, मगर नहीं पिछली बार भी मैं कुछ बोल नहीं सकता, बन गया हूँ कि खाना पीना कहीं करते रहना, वोट के लिए एक ही चेहरा याद करना तेरे सामने बैठा है रमेश गोयल जी को। ये भी समाज सेवी आदमी है और शुरू से निष्ठा के साथ जैसे कि मैं जुड़े मिले रहे हैं। और ये मैं मेरे संसद के सभी साथियों को, हमने साथियों को इकट्ठा करके जब मैंने फैसला लिया कि हमने एक कैंडिडेट को उतारना है, ये मैं मोंटू भाई का और हमारे और भी बहुत साथी स्टेशन सबका गठबंधन कहूंगा कि उन्होंने कहा नहीं, हमें सबसे ज्यादा हमारे रमेश गोयल जी लायक है और हमारी तो भी उम्र बहुत बड़ी, हम तो बहुत कुछ करेंगे आने वाले समय में, आज ये मौका हमारे बड़े भाई को मिलना चाहिए। तो मैं तो बात बात के आप सबसे विनती करना चाहता हूँ साथियों, एक ईमानदार टीम आप टोहाना में देने का काम आप लोग करेंगे, आपकी वोट की ताकत से ईमानदार टीम खड़ी होगी, हर वार्ड के अंदर अच्छे लोगों को लेकर आओ और ऐसे चेयरमैन को बनाओ रुपया की चढ़ी ना दूंगा, चिंता ना करिए। और साथ के अंदर जो कारनामे यहाँ कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, बहुत ताकत टोहाना के अंदर नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जो टोहाना होना चाहिए था उसका 10% भी टोहाना नहीं बना पाए, 90% काम करना है साथियों। आपके सहयोग आपके आशीर्वाद से
उसको मिलकर करेंगे। अच्छी टीम के नेताओं में आपने करना है, वार्ड वाइज के कैंडिडेटों के नाम घोषित करेंगे, उनका सहयोग करें। अभी चेयरमैन साहब तो मेरा बड़े बहुत मेरे साथ खड़े हैं, इनको आशीर्वाद दो। और भाई जो पब्लिक ने वोट दिए थे ना प्रधान जी, जब उठा जाना थे मैं भी जाऊँ था, मेरी वाइफ भी जाना थी, हरियाणा तो लुभाई कहती है, मैं थोड़ा गुटका पहन लगे वाइफ पर, तो मेरी वाइफ भी जाना थी, तो आते एक तो तेरा टकराव है क्या पुलिस वालों ने, बाकी बात पुलिस वाले से एक तरफा बंद बना रहे, ये इतिहास आपने रचा है और ऐसा इतिहास तुम्हारा रख दो तारी ताकत जो बढ़ा के लेके आए तो हमें इसको एक ना भूल जाता कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एक दिन घर बार करूंगा। अभी हम पैसे चले गए पसीना होगा बच्चे, मैं तो रोक भी आया, मेरे को बिना पसीना कुछ नहीं मिला, जितना भी पसीना काटूंगा उसकी एक एक बूंद आपके सेवा में गिरेगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी सारे चल रहे हैं, थोड़ा निकल दे बात का पसीना, बातचीत में अपील करेंगे और पूरा तसल्ली से हमारे भाई को सारे आशीर्वाद देते हुए नॉमिनेशन फाइल कराने के बाद एक एक घर में घर घर में जाना है, वोट की अपील करनी है, दो ही बात करनी है वोटरों को, अगर साफ सुथरी और ईमानदारी की राजनीति चाहते हो तो ईमानदार लोगों की टीम खड़ी कर दो, बहुत से लोग आएंगे प्रणाम देंगे पता नहीं क्या क्या देंगे, ले सबका सब कुछ मिला क्योंकि पिछले चुनाव में मैंने किनारा दिया, मैं ये लोग करते हैं लेकिन सच्चाई अच्छाई का साथ देते हैं। इसी तरीके से भाई मारा भाई सेवक है, कई लोग इस राजनीति को व्यवसाय बना के खड़े हो गए हैं, यह व्यवसाय नहीं बनाने आया है, यह आपकी सेवा करने आया है, ये मतलब मैं भी कर सकता हूँ आपसे, तो साथ जो अपने टुकड़े की तरक्की होगी और जो सपने आपने टुकड़े के देखे हैं हम सब मिलकर उनको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।